तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग यार, आज का मैच था वैसे तो बेटे का, बट वो हो गया कैंसिल क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन कल बारिश हुई थी, उस चक्कर में मैच कैंसिल करना पड़ा। तो अब क्या है कि घर में थोड़ी सफाई वफाई करके जा रहे हम ब्रंच करने, क्योंकि 11:15 बज चुके हैं, तो अब ब्रंच ही होगा। तो चलते हैं अपने फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट आमा किचन में। तो जी पहुंच गए हैं अपनी शोतेनगाई में, इंडिया नेपाल आमा इंडियन रेस्टोरेंट। चलो जी, नमस्ते जी, नमस्ते। तो देखते हैं जी क्या खाएं, क्या खाएं। अभी तो पालक चिकन करी का प्लान बन रहा है, बट स्टिल तो एक करी, नान या राइस, सैलड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, और नान और राइस ऑफ कोर्स अनलिमिटेड है, कितनी मर्जी बार खाओ, एंड देन ड्रिंक्स यू डिसाइड में। क्या चीज़ वो अलग है बेटा, लंच का मेन्यू ये है, लंच वाले से वो अलग, फिर अलग काउंट होता है। लंच वाले से लो। एक किड्स लिया है किड सेट, और उसके बाद चिकन करी, पालक चिकन करी के दो, और एक मटन करी, एंड देन ड्रिंक्स में लस्सी एंड चाय। चलो आने दो, वेट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सैलेड से, इसमें ड्रेसिंग डाल दी है, एंड देन लंच आने वाला है। तो ये तो जी आ गया किड सेट, छोटा सा प्यारा सा किड की तरह। आ गया जी मटन करी है नान सेट। चलो जी, तो जी हमें अपग्रेड मिल गया, यहाँ पे गार्लिक नान में अपग्रेड कर दिया है सर्विस, एज अ सर्विस, और हमारी ये पालक चिकन करी भी आ गई है। चलो अब ठूस अब ठूस करते हैं। कैसा लगा खाना? एक जी हमने ओकावारी नान मंगाई है, छोटी वाली, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी बच गई है हमारे पास। चलो जी खाना ऑलमोस्ट खा लिया है। तो फ्रेंड्स कर लिया लंच, बाहर आ गए और अच्छे से खाया, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे खाया। तो एक्चुअली ये अच्छी चीज़ है वहाँ पे कि रीजनेबल काफ़ी है और टेस्टी भी बहुत है। तो अब चलते हैं, एक नई चीज़ आने वाली है, तो ब्लॉग उसका बनाऊँगा इसके बाद। तो फिलहाल करते हैं लंच का ब्लॉग ख़त्म, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।